नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला। किसानों के लिए गन्ने की खेती कम समय में ज्यादा मुनाफा देती है, लेकिन कभी कभी किसान गन्ने की खेती कर इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी फसल बाजार में बिक नहीं पाती। लेकिन अब गन्ने की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी, अब किसानों को अपने गन्ने के बिकने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश में किसानों से चीनी मिले उनके बेसिक कोटे से ज्यादा यानी कि पूरा गन्ना खरीदेगी। इसके मद्देनजर गन्ना विभाग 15 अप्रैल के बाद खेतों में खड़े गन्ने का सर्वे कराकर चीनी मिले में आपूर्ति कराएगा। ऐसे में जाहिर है कि अब किसानों को सस्ते दामों में ही हजारों की मात्रा में अपने गन्ने को कोल्हों केशरों पर लुटाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसे रेड्डी ने किसानों के अतिरिक्त गन्ना सट्टा करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार भारती ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद जब चीनी मिलों में गन्ना पिरोई का 10वां सप्ताह खत्म हो जाएगा, तब सुपरवाइजरों के खातों में खड़े गन्ने के सर्वेक्षण कराएंगे। इसके तहत जिस किसान के पास बेसिक कोटे से ज्यादा गन्ना होगा उसे चीनी मिलों में खरीद कराने के लिए अतिरिक्त सट्टा कराएंगे। आपको बता दें कि किसानों को अतिरिक्त गन्ना सट्टा कराने के लिए शुल्क नहीं चुकाना होगा। ऐसे में इनसे उन हजारों किसानों को फायदा मिलेगा जिससे चीनी मिलों में बेसिक कोटा कम है लेकिन खेतों में गन्ने की संख्या ज्यादा है। इसके तहत किसान गन्ना भुगतान के बदले हर महीने 1 क्विंटल चीनी ले सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की कुल उत्पादन क्षमता 7 करोड़ क्विंटल है। वहीं राज्य के बागपत के 1,24,000 किसानों के 4 करोड़ क्विंटल गन्ना राज्य के 5 जिलों की 12 मिलों में आता है। इसी तरीके की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।